अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पीवीसी डोर्स के ऊपर है। पीवीसी डोर्स हमें कहाँ पे लगाने पड़ते हैं, जहाँ पे कोई पानी वगैरह का इशू है तो वहाँ पे अगर पीवीसी डोर लगाते हैं तो पानी इस पर चूँकि असर नहीं करता, नमी के इस पर असर नहीं होता, दीमक के इस पर असर नहीं होता, तो पीवीसी डोर इन जगहों पर लग सकते हैं। जैसे ममटी वाला एरिया या घर के कुछ इस तरह का पोर्शन है जो ओपन एरिया में लग रहा है और जहाँ पर पानी वगैरह इस पर वो लग सकता है, तो वहाँ पर पीवीसी डोर की बेस्ट ऑप्शन होती है। तो आज देखते हैं कि अगर एक पीवीसी डोर लगाना पड़ता है हमें तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। हमें जो अगर मैं वॉशरूम की बात करूं, वॉशरूम का साइज़ हमारा चलता है 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। अगर 2.5 फीट बाय 7 फीट का हमारे पास वो डोर है वॉशरूम का, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। मार्केट में जो इसकी कॉस्ट चलती है, इसके दो तरह से रेट चलते हैं। एक चलता है 280 रुपये पर स्क्वायर फिट। 280 रुपये पर स्क्वायर फिट वाला लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आ जाती है आपके पास 6,650 रुपये का। ये डोर बनेगा पीवीसी का। अच्छा, इस डोर में इसका डोर का फ्रेम भी शामिल है, जो जिसमें हम चुगाट बोलते हैं वो भी शामिल है और डोर भी शामिल है। ये 6,650 रुपये का मिलता है मार्केट से। अगर इसी में आप थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी में जाते हैं, ये सिंगल प्लाई में होगा, ज़रा डबल में अच्छी क्वालिटी में जाते हैं तो वो आपको पड़ेगा 7,000 का। इससे ऊपर की प्राइस नहीं, दो ही रेंज है मार्केट में इसकी। एक ये 6,650 रुपये वाला और सेकेंड आ जाता है 7,000 वाला, जो थोड़ी बेहतर क्वालिटी में है। अच्छा, अगर आपने डोर फ्रेम लगाया हुआ है ऑलरेडी आपके पास लगा हुआ है, सिर्फ आपने उसका डोर लगाना है, तो डोर की प्राइस सिर्फ जो मार्केट में चलती है वो 4,700 रुपये चलती है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, अगर आपने नया लगाना है तो आप कोशिश ये कीजिए कि इसको डोर फ्रेम के साथ लगाएं, मतलब पीवीसी के वो फ्रेम लगा लें। उसकी वजह यह है कि जब आप कम्प्लीट दरवाज़ा इनसे बनवाएंगे तो उसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर आएगी, उसका फ्रेम भी साथ ही होगा और उसकी फ़िटिंग भी साथ ही होगी। तो वो सबसे बेहतर यही ऑप्शन होती है कि अच्छा रिजल्ट लेना है तो वो इसका डोर का फ्रेम भी साथ बने। इसी तरह ये सस्ता भी पड़ता है। अगर खाली आप डोर फ्रेम लगाएंगे किसी भी मटेरियल में, अगर जैसे आज एमएस की चलती है बात, तो एमएस का अगर लगवाते हैं तो तकरीबन 7,000 की सिर्फ आपको डोर फ्रेम लगेगा। 7,000 का सिर्फ डोर फ्रेम लगता है आजकल, और ये 7,000 में कम्प्लीट डोर मिल जाता है डोर फ्रेम के साथ। तो ये देख लें कि ये जो पीवीसी डोर की ऑप्शन है, ये सबसे इकोनॉमिकल जो ऑप्शन है डोर्स में वो ये है। इसका अब अगर प्लस माइनस हम देखें तो वो क्या है, इसका पॉजिटिव तो यही है कि कहीं पे वॉशरूम में लगाना है आप लगा लें, पानी शानी जहाँ पे है उस एरिया में लगाएं, इस पर पेनीट्रेट नहीं करता। लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा कलर्स की रेंज नहीं मिलती, इसमें आपको 3 से 4 कलर मिलते हैं। कॉमनली जो लगते हैं कलर वो डार्क ब्राउन मिल जाता है, बेज कलर मिल जाता है, क्रीमी कलर है, सिल्वर में मिल जाता है, ये ऑप्शंस है, वाइट में मिल जाता है। कलर्स की आपके पास ये वाली रेंज है, लेकिन इस पर पॉलिश वगैरह नहीं हो सकती क्योंकि ये पीवीसी के आप किसी स्टेज पे ज़्यादा ख़राब हो जाए, एनामल करना चाहिए इस पर, एनामल वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये घर के बाकी दरवाज़ों की जगह पर क्यों नहीं लग सकते, इसलिए कि यहाँ पर पॉलिश वगैरह नहीं होती, इसमें पैटर्न ज़्यादा नहीं है। ये इसमें एक ही पैटर्न आता है ज़्यादातर, जो वर्टिकल स्ट्रिप्स होती हैं इसकी, 1 इंच बाय 1 इंच की, सॉरी 1 इंच की जो वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं उसी में इसका पैटर्न बना होता है, और ये ज़्यादातर वॉशरूम वगैरह के लिए यूज़ हो रहा होता है। अगर आपने सिर्फ वॉशरूम में और ओपन एरिया में करना है तो इससे बेस्ट ऑप्शन आई थिंक कोई नहीं है। अगर आप फाइबर पे जाते हैं तो फाइबर की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन पर अगर आपको चाहिए कोई डोर वॉशरूम्स के लिए और ओपन एरियाज़ के लिए, तो वो सबसे इकोनॉमिकल यही ऑप्शन है। इससे सस्ता मार्केट में कोई चीज़ नहीं है, पीवीसी से सस्ती। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।